हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पीएस टेट सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स, और यह नोट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं न्यू वैकेंसीज़ की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नई वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें टीचर्स और अलग अलग कैटेगरीज़ में यह वैकेंसीज़ आई हैं। आइए इन्हें सभी वैकेंसीज़ को देखते हैं। फर्स्ट वैकेंसीज है ये पोस्ट ऑफ इलेक्शन नायब तहसीलदार, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6। पे स्केल रहेगा 35,400 से 112,400। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में हिंदी या फिर संस्कृत मैट्रिक लेवल में पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज हैं 21 पोस्ट हैं इलेक्शन कानगो की, सेम पे और सेम क्वालिफिकेशंस भी इसमें मांगी गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, इसमें 117 पोस्ट है वर्क सुपरवाइज़र की, 39 पोस्ट है ऑटो डीजल मैकेनिक की, 33 पोस्ट है कारपेंटर की, 4 पोस्ट है प्लम्बर की, 9 पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की, 1 पोस्ट ऑफ सर्वेयर, 27 पोस्ट ऑफ पेंटर, 23 पोस्ट ऑफ मैसोन, 7 पोस्ट ऑफ मैकेनिक, 7 पोस्ट ऑफ मैकेनिक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। इस तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट में इनको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं उसमें इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक, पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इन वैकेंसीज़ में नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ हैं वह है एलिमेंट्री एजुकेशन की, इसमें टोटल 176 पोस्ट हैं टीजीटी पंजाबी की, जनरल के लिए 32, एससी 36, बीसीए 29, बीसीबी 20, ईडब्ल्यूएस 19। टोटल वैकेंसीज़ हैं 176 टीजीटी पंजाबी के लिए। इसमें जो पे स्केल रहेगा वह काफ़ी हाई पे स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा जी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। एज लिमिट मांगी गई है 18 से 42 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो बीए में 50% मार्क्स इन पंजाबी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बी ए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज इन पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी एड, या फिर बी ए विद 45% मार्क्स एज वेल एज 50% मार्क्स इन पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी एड इन अकॉर्डेंस विद NCTE रूल्स, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BA BEd, या फिर BA विद 50% मार्क्स एज वेल एज पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन इन केस ऑफ BEd पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रेकोनाइज यूनिवर्सिटी। BEd में पंजाबी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साथ में ही सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट STET। तो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, और साथ में ही मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 12th BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और टीचर्स की इन वैकेंसीज से रिलेटेड नोट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट नोट में कहा गया है टीचर वर्किंग इन प्राइवेट मैनेज्ड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो डिप्लोमा किया हुआ है वह NCTE के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस ही शी प्रोसेसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग HTET एंड एक्सपीरियंस। There will be relaxation of 5% in BA, BSc, BCom senior secondary level for scheduled caste, backward class and other backward class and differently abled persons. इन सभी को 5% की relaxation दी जाएगी। 33% पोस्ट हैं जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं।
नोट 6 है सर्टिफिकेट ऑफ एच टेट सी टेट कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ओनली विल बी कंसिडर्ड इन पोस्ट के लिए। जो एच टेट और एस टेट है हरियाणा बोर्ड की ओर से लिया जाने वाला जो टेस्ट है वह पास होना जरूरी है। यदि 176 पोस्ट जो TGT पंजाबी के लिए आई हुई हैं उनके लिए पूरी क्वालिफिकेशंस, तो जहां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से और नई वैकेंसीज आ रही हैं, साल 2020 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जारी हो चुका है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.hssc.gov.in। इन वैकेंसीज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे वह 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 मार्च तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है और फीस को डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2020। इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए या फिर अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hsc.gov.in पर विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर विज़िट करने पर आपको जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा।